गवर्नमेंट की तरफ से अधिकृत जर्नलिस्ट है, अधिमान पत्रकार जिसको बोलते हैं, अधिमान पत्रकार का पूरा पैसा 100% गवर्नमेंट देती है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस के लिए, और जो लोग छोटा छोटा अखबार निकालता है जिसका अधिमानता नहीं है उसके लिए भी, और जिनका RNI है, तो ऐसा तो कोई विदाउट RNI का कोई अखबार होती ही नहीं है, जिसका RNI है उसके लिए अगर और दूसरा कोई अगर संस्था में किसी चैनल में किसी अखबार के दफ्तर में अगर व्यक्ति काम करता है और फार्म 16 अगर उसको देता है तो उसके लिए सरकार 50% खुद व्यक्ति खुद पैसा देगा और 50% सरकार उसको देगी, क्योंकि पत्रकार का जो सबसे बड़ा जो आवश्यकता है उसका जीवन है, नंबर 1 सुरक्षा और नंबर 2 स्वास्थ्य, यही उसके लिए एक सबसे बड़ी वे। बाकी तो कई राज्य सरकारें उनके लिए जो है प्रेस क्लब के लिए बैठने के लिए खाने के लिए बिल्डिंग बना देते हैं, जमीन दे देते हैं, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये उसके व्यक्तिगत जो लोग फील्ड में रह के जो काम करता है उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है। इस लड़ाई को हम हिंदुस्तान के करीब 19 राज्यों में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा हम लोगों ने प्रेस जो वो आपका जो प्रेस ऑफ इंडिया जो है दिल्ली के अंदर उसके साथ में बैठ के 16 राज्यों के संस्थाओं ने बैठकर बात की थी कि हमारे हिंदुस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, जो संविधान के अंदर भी इस बात की व्यवस्था है कि पत्रकारों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उस कानून को लागू करना चाहिए। तो मैं आपके इस माध्यम से इस सरकार के चीफ मिनिस्टर बिपिन देव जी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि जितने भी त्रिपुरा राज्य के पत्रकार हैं उनके पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने इस कानून को लागू किया है, उसको वेस्ट बंगाल में भी किया है, ऐसा 3 राज्यों में अभी तक हुआ है। इसलिए इस मंच के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि CM साहब जो है राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा करें, क्योंकि जिस तरीके से इतने लंबे समय का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता परिवर्तन करने के बाद में जब आप यहाँ पर आया है और मीडिया ने आपको बहुत पूरा जोर से समर्थन किया है और आपको स्थापित किया, तो आपका भी एक जिम्मेदारी होता है कि आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करें। और मैं दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कमजोर हैं, इसलिए मैं डे साहब से निवेदन करूंगा और पत्रकार साथियों से भी कि नॉर्थ ईस्ट में भी और सारे लोगों को जोड़ने का काम करें। इस बार का हमारा जो राष्ट्रीय सेमिनार जो किया जाएगा वो हम लोग इस बार जो है दिल्ली में करेगा, और यहाँ पर जो होगा वो हमने जो है डे साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हम ये चाहते हैं कि हम लोग तो यहाँ आप लोगों के साथ आएंगे ही प्रोग्राम के अंदर, आप स्टेट का एक प्रोग्राम यहाँ पर करें और जो पत्रकार साथियों की समस्याएं हैं जो उनकी बात है उसके लिए करें, उसके लिए हम लोग पूरी तौर से तन से मन से धन से पूरी तौर पर तैयार हैं।